कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ब्लेरो है और यह जल्दी आने वाली जो है, बिल्कुल महिंद्रा के थार जैसी मिलती जुलती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कार ऑटो शो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या यह बुलेरो है या नहीं। अगर यह बुलेरो नहीं है तो कौन सी गाड़ी है, और यह कहाँ की गाड़ी है, और यह कहाँ पर सेल होती है, और ये कहाँ पर बनाई जाती है, और किस देश की कंपनी है ये गाड़ी। यह SUV किस देश की कंपनी है? यह SUV चाइनीज कंपनी की गाड़ी है जिसको बुलेरो बताया जा रहा है। हाँ भाई, यह एक चाइनीज गाड़ी है जिसका नाम है BJ40L, मतलब BJ40+ नाम है इसका। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे BJ40+ तो आप देखोगे कि ये वही गाड़ी है जिसको बार बार बुलेरो बताया जा रहा है, और इसका आप असली नेम डालते हो BJ40+, देखो वो वही गाड़ी निकल के आती है। और ना ही इस तरह की बुलेरो आने वाली है, और ना ही महिंद्रा ने किसी तरह का महिंद्रा बुलेरो के अंदर कोई अपडेट किया है। और कुछ लोगों ने इसको महिंद्रा बुलेरो की तरह एडिट करके दिखाया है कि हाँ भाई ये एक बुलेरो है, इसके फ्रंट बोनट पे महिंद्रा बुलेरो नाम लिख दिया गया है। लेकिन महिंद्रा की एक स्ट्रेटजी है कि महिंद्रा अपनी 5-डोर थार को लॉन्च करेगी 2023 के अंदर, जो बिल्कुल महिंद्रा की जो 3-डोर थार है उससे हटके वो 5-डोर थार होने वाली है। महिंद्रा अपनी 5-डोर थार को लॉन्च करेगी 2023 के अंदर। और जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है, जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है ये कार, इस वीडियो को पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है, और इस गाड़ी को पाकिस्तान में भी सेल किया जाता है, और ये पाकिस्तान में सेल होती है। लेकिन महिंद्रा अपनी 5-डोर थार को लॉन्च कर सकता है, जो महिंद्रा ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है 2026 तक के लिए। लेकिन अभी महिंद्रा का किसी भी तरीके से कोई प्लान नहीं है कि महिंद्रा अपनी 5-डोर थार को लॉन्च करेगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।